दोस्तों ये है ग्रास स्नेक, ग्रीन कीलबैक स्नेक। तो आप देख सकते हैं कुछ खाया था उसने, अब बैक कर रहा है। यहाँ पर रास्ते में मिला था मेंढक, खाया था उसने। देखिए भागने के लिए, फुर्तीला होने के लिए वो खाया हुआ बैक कर जाते हैं, उगाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी फुर्तीला हो चुका है। ग्रीन कीलबैक स्नेक ये बिना जेर वाला सांप होता है। तो यहाँ नागरदेव वाला फाटा है, हमारा ही गांव है फाटे पर, ये रास्ते में आ चुका था। नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, ग्रीन कीलबैक स्नेक। ये बिना जेर वाला होता है, ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में अपने घरों के आसपास निकलते, लोग इसे जहरीला समझकर मार देते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आपके घर के आसपास ऐसा सांप दिखाई देता है, ध्यान से देखिए, ऊपर से पूरा हरा होता है और नीचे से सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये बहुत ही प्यारा सांप है, हरियाली में रहने वाला, ग्रीन कीलबैक स्नेक। नाम याद रखो, ग्रीन कीलबैक स्नेक, इसे ग्रास स्नेक भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रास स्नेक भी बोलते हैं, ग्रीन स्नेक भी बोलते हैं। क्यों इसको ग्रास स्नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हरियाली में ज़्यादा रहता है, पेड़ पौधों में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उसमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए हरा हो जाता है। तो जब ये छोटा होता है दोस्तों, तब यहाँ पर काले वी जैसा दिखाई देता है यहाँ पर, और सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाई देता है जब ये छोटा होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है पूरा धुंधला होकर पूरा ग्रीन हो जाता है, हरा दिखाई देता है। तो यहाँ हमने रेस्क्यू किया इसको, अभी एक अच्छी जगह पर हम इसको आज़ाद करने वाले हैं हरियाली में। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि आपके घर के आसपास ऐसे सांप दिखाई देते हैं दोस्तों, ना मारें, ये एक पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको बचा के रखना है। अभी दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, अभी तुरंत हम एक अच्छी जगह पर हरियाली में इसको आज़ाद करने वाले हैं। नाम इसका फिर एक बार बता रहा हूँ, इसे महाराष्ट्र में गौत्या नाम से जानते हैं, इसका नाम इंग्लिश में ग्रीन कीलबैक स्नेक, इसे ग्रीन स्नेक भी कहा जाता है और ग्रास स्नेक भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस और सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए इस वीडियो के जनरेट कर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमने आज ही रेस्क्यू किया था, नागरदेवला फाटा नाम से एक एरिया है वहाँ पर हमने रेस्क्यू किया था। इसको हिंदी में हरा सांप कहते हैं और इंग्लिश में ग्रीन कीलबैक स्नेक या ग्रीन स्नेक और ग्रास स्नेक भी कहा जाता है, और मराठी में महाराष्ट्र में इसे गौत्या नाम से जाना जाता है। तो इसको हम यहाँ पर आज़ाद कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।